Friends, see, 10 part 1, second one, x square plus 1 upon x square minus 1. ये डिफरेंशिएट करना है. इसको क्या करेंगे? y equal to second one, x square plus 1 upon x square minus 1. ले लेते हैं. अब सही x equal to tan theta लेंगे. तो x equal to जब tan theta लेंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा. से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा फॉरवर्ड. इसे मैं इधर लीजिए तो इस फॉर्म में इसको चेंज करना है. इसको क्या लिखते हैं? मतलब y equal to second word 1 upon x square minus 1 upon x square plus 1. ठीक है, y equal to जाएगा second word, ये हो जाएगा आपका, इसको x से ऊपर इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 minus x square upon 1 plus x square हो जाएगा ना. ऊपर इसे हमने क्या किया, x square से डिवाइड कर दीजिए. माइनस सेक आ जाएगा आपका. यहाँ से y सेकेंड वर्ड से सेकेंड कट जाएगा तो y को भी कट जाएगा y माइनस टू थीटा हो जाएगा. यहाँ से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स सेक हो जाएगा. ठीक है, तो थीटा इक्वल यहाँ पर रख दीजिए तो y से कितना हो गया y माइनस टू टाइम इनवर्स सेक टू टाइम इनवर्स सेक. इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx इक्वल टू d by dx of y minus 2 times d by dx or tan inverse x. ठीक है, ये तो हो गया 0 minus 2 into 1 upon 1 plus x square. तो देखो minus 2 upon 1 plus x square क्योंकि d by dx of y d by dx of y. ठीक है, ये बोलो. चलिए देखिए इसका आंसर आ रहा है. अब 10 का सेकंड पार्ट है. 10 सेकंड दूसरा साइड पर हेलो 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 हाँ.